जय हिंद दोस्तों राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़ की रैली भर्ती का चार्ट आ चुका है जिसके बारे में पूरी डिटेल से एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा आपको कोई डाउट नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे जनरल ड्यूटी की भी भर्ती है और क्लर्क की भी है साथ ही साथ स्पोर्ट्स वाले बच्चे ओपन रैली भर्ती देख पाएंगे ऑफिशियल चार्ट कैसे डाउनलोड करना है वो बता देते हैं कि नीचे आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर जाके आप इसके पूरे चार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही साथ दोस्तों आप कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है इसका तीस जनवरी को अगर उसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे नए यूट्यूब चैनल की भी लिंक वहाँ पर दी हुई है वहाँ से जाके आप जो है आर्मी के ओरिजिनल जी पेपर क्लर्क पेपर और ट्रेडमैन के पेपर सोल्यूशन के साथ देख सकते हैं और मैथमेटिक की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं ये भर्ती दोस्तों सात सितंबर दो से स्टार्ट हो जाएगी और इसका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम तीस जनवरी को ले लिया जाएगा तो चलिए दोस्तों ले चलता हूँ चार्ट के ऊपर और बता देते हैं कि क्या क्या इसके अंदर होने वाला है तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों सात सितंबर से रैली भर्ती स्टार्ट है जिसके अंदर दोस्तों यूपी वाले बच्चों को बुलाया गया है साथ में राजस्थान के बच्चों को भी बुलाया है और उत्तराखंड एमपी दिल्ली हरियाणा पंजाब छत्तीसगढ़ और अलग अलग वाले बच्चों को अलग अलग डेट को बुलाया जैसे सात आठ नौ को बुलाया और ये सिर्फ जनरल ड्यूटी के लिए होने वाला है जनरल ड्यूटी में आपको 33 परसेंट मार्क्स होने चाहिए हर सब्जेक्ट में 45 प्रतिशत का एग्रीगेट दसवीं में होना चाहिए इसके अलावा दोस्तों के एज कट ऑफ की बात करें तो एक अक्टूबर 2000 से लेकर एक अप्रैल 2004 के बीच में होना चाहिए यानी कि साढ़े सत्रह से इक्कीस साल और दोस्तों बात करते हैं इसमें सिर्फ रिलेशन सर्टिफिकेट वाले बच्चे ही अप्लाई कर पाएंगे सन ऑफ सन एंड ब्रदर ऑफ जो भी एक्सर्समैन है इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं ऑल इंडिया ऑल कोस्ट वाले बच्चे कौन सी भर्ती देख पाएंगे तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं सोल्जर क्लर्क एस की जिसमें कि दोस्तों टेन प्लस टू में आपके पास में आर्ट कॉमर्स साइंस होने चाहिए जो कि साठ प्रतिशत का एग्रीगेट पचास प्रतिशत का जो है सिक्योरिंग होनी चाहिए हर सब्जेक्ट में एक अक्टूबर नाइनटीन से एक अप्रैल दो के बीच में आपका जन्म होना चाहिए यानी कि साढ़े से तेईस साल इसमें दोस्तों राजपूत के ही जो बच्चे हैं राजपूताना जो राजपूत रेजिमेंट है राज� फ़तेहगढ़ वाले बच्चे वही सिर्फ इसमें क्लर्क की भर्ती देख पाएंगे बात करते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर ओपन भर्ती कौन देख पाएंगे तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 10 सितंबर को जो बच्चों के पास में स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है वो लोग यहाँ पर जरूर से आके देख सकते हैं यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि आपके पास अगर नेशनल इंटरनेशनल खेला हुआ है स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर आइए और ये स्पोर्ट्स रैली भर्ती को अटेंड कर सकते हैं इसके अंदर दोस्तों आपको तैंतीस मार्क्स होना चाहिए और यहाँ पर टेंथ में फोर्टी फाइव प्रतिशत का एग्रीगेट होना चाहिए क्योंकि आपको स्पोर्ट्स पर्सन से आप सिर्फ जीडी की रैली भर्ती देख सकते हैं यहाँ पे एज कट ऑफ साढ़े सत्रह से इक्कीस रहेगा आपके लिए ठीक है आगे बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर स्क्रीनिंग ऑफ स्पोर्ट्समैन होगी 12 तारीख को 9 सितंबर को मेडिकल होगा 27 जनवरी को आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे 30 जनवरी को भगवान की कृपा से आपका एग्जाम भी हो जाएगा कोविड 19 की रिपोर्ट लेके जानी है नो रिस्क सर्टिफिकेट लेके जाना है जो कि बहुत घंटे के अंदर वाला होना चाहिए आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा साथ ही साथ दोस्तों डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी यहाँ पे दी हुई है इन्होंने ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है जिसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो रहेंगे ही साथ में अटेस्टेड आपके फोटो भी रहेंगी बीस आपको फोटोग्राफ़ अपने लेके जाना ना भूलें ठीक है दोस्तों ये थी सारी रेजिमेंटल रैली भर्ती राजपूत की और इसके बारे में पूरा डिटेल हमने बता दिया जितना चार्ट में मिला था इसको डाउनलोड कर लीजिए और हमारे नए चैनल जो कि जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रिटर्न एग्जाम में हेल्प मिल जाए ठीक है दोस्तों चलिए मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय जे भारत वंदे मातरम ऑल द बेस्ट